शांति आज 25 नवंबर 2023 है आज का स्वमान हम आत्माएं जो अपने लिए धारण करें वो मैं विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाली आत्मा हूं जैसे आज मम्मा की मुरली में मम्मा ने बताया कि मनुष्य परमात्माओं से सुख शांति मांगते रहते हैं लेकिन सुख क्या है ये भी उन्हें पता नहीं शांति कैसे मिलेगी ये भी उन्हें पता नहीं है और वो विधि नहीं यूज करते इसलिए मांगते मांगते भी सिद्धि नहीं मिल पाती तो ऐसे ही विधि पूर्वक हम कैसे अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़े सबको दुआएं दें आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से बाप की आज्ञा है बच्चे अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो हर कर्म कर्म योगी बनकर निमित भाव से निर्माण बनकर करो ऐसे दृष्टिवृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अति इंद्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे सदा सुख और शांत स्वरूप रहने वाली आत्मा ही विश्व में शांति और सुख की स्थापना कर सकती है इस समय दो ही प्रकार की आत्माएं हैं जिनको शांति चाहिए अर्थात परम धाम में बस उनका पाठ ज़्यादा रहेगा और दूसरा जिनको सुख की कामना है अर्थात स्वर्ग की कामना है और बाबा इसीलिए कहते हैं कि हमारी एक आँख में शांति धाम अर्थात शांति की अनुभूति कराए और हमारी एक आंख में सुख धाम अर्थात हमसे सुख की अनुभूति भी हो तो ऐसा हमें स्वरूप स्वयं का बनाना है सारे दिन में तो बाबा कहते हैं सेवा के क्षेत्र पर रहते हैं बातें आती हैं उस समय तो हमारी समाने की शक्ति समेटने की शक्ति सहन करने की शक्ति ये सारी शक्तियाँ सहयोग की शक्ति कार्य में आ रही है तो शक्ति को कार्य में लगाते हुए फिर सदा हम शांत और सुख की स्थिति में तो नहीं रह सकते। इसलिए बाबा ने कहा कि बातें ऊपर-नीचे आती हैं, उन बातों का सामना करने के लिए ही अपने अंदर पहले हमें वो स्थिति बनानी है जैसे कहते हैं हनुमान या अंगद जब रावण की दरबार में पहुंचे पहले अपने आसन पर स्थित हुए पहले अपना पांव जमाया फिर रावण को चैलेंज किया तो हम भी जब अपनी शांति और सुख की स्थिति को जमा लें उस आसन पर स्थित हो जाएं फिर रावण को हम हरा सकते हैं फिर हम उसको ललकार कर सकते हैं और इसके लिए बाबा ने हमें विधि बताई है अमृत वेला अमृत वेला की शक्तिशाली याद अमृत वेला की सतो प्रधान स्थिति ये सारे दिन के हमारे संकल्प बोल कर्म और संबंध संपर्क का बीज है जैसे बीज पावरफुल होता है तो कम मेहनत में भी वृक्ष से बहुत अच्छा फल निकलता है और अगर बीज में शक्ति नहीं है तो ऊपर से भी शक्ति ज़्यादा लगती है फिर भी फल उतना मीठा नहीं निकलता इसलिए इस विधि को अपनाएंगे पहले अपनी शक्ति को और अपनी स्थिति को जमाएंगे उसके बाद हम माया के युद्ध के में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं ओम शांति